तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैराग्राफ ग्रुप को। और पैराग्राफ में हमारे पास सबसे जो पहला ऑप्शन है उसका नाम है बुलेट। ये क्या करता है, ये स्टार्ट अ बुलेटेड लिस्ट, मतलब एक किस्म की लिस्ट बनाता है, लेकिन उसके सामने एक बुलेट फॉर्म, बुलेट मतलब कोई भी निशान ही रखता है। जैसे हम कोई भी लिस्ट बनाते हैं उसके सामने हमने कोई स्टार रखता है, कोई एरो लगाता है, इस तरह से हम कोई भी लिस्ट इस तरह से बनाते हैं। लेट्स से पहले कोई लिस्ट बनाता हूँ। ओके, अली अहमद नौमान नदीम काशिफ अकबर। ओके, ये मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी लिस्ट बना दिया, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम करना क्या है, सिलेक्शन करते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए फॉर सिलेक्ट ऑल। इस पे क्लिक करके बुलेट कोई भी निशानी देनी है, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और जो भी निशानी देनी हो आप उस पे ऊपर क्लिक कर दें, आपकी हर टेक्स्ट के सामने वो निशानी आ जाएगी। सिंपल इस पे क्लिक करते हैं। ओके, आप देखते हैं गाइस कि आपकी जो लिस्ट है उसके सामने एक किस्म की निशानी आ चुकी है। अगर हमने ये नहीं पसंद कोई और करनी है, वन सेकंड करेंगे सिलेक्शन और उसके बाद हम करेंगे इस पे क्लिक और जो भी कोई और निशानी पसंद है उस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें। ओके, आपकी निशानी के सामने, ओके, आपकी लिस्ट के सामने वो निशानी आ जाती है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है नंबरिंग। ये क्या करता है, स्टार्ट अ नंबर्ड लिस्ट, मतलब एक किस्म की लिस्ट बनाना बट उसके सामने कोई भी नंबर डाल देना। इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से खत्म करते हैं, वन सेकंड एंटर। यहाँ पे मैं एक और निशानी बनाता हूँ, लिस्ट मैंगो। ओके, उसके बाद एप्पल, उसके बाद ग्रेप्स, सॉरी, उसके बाद ऑरेंज। ओके, ये मैंने क्या किया, एक किस्म की लिस्ट बनाई है। अब हम करना क्या है कि इसके सामने कोई भी नंबरिंग देनी है। वन सेकंड सिलेक्शन, यहाँ पे आ जाते हैं क्लिक, जो भी नंबर देना हो आप उस पर क्लिक करके आप नंबर दे सकते हैं, 1 2 3, ये दे, ये वाला, वॉट एवर, जो भी आप देना चाहे उस पर आपने सिंपल क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं गाइस कि आपकी नंबरिंग लिस्ट बन चुकी है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है मल्टी लेवल लिस्ट। ये इसका क्या काम होता है, स्टार्ट अ मल्टी लेवल लिस्ट, मतलब एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अली के सामने यहाँ पे क्लिक करके एंटर करता हूँ। अब हमने इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनानी है, अली का हमने करेंगे टैब प्रेस करेंगे निशानी बन जाएगी, मतलब एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना रहे हैं। यहाँ पे आएंगे कि अली जो जो पसंद है मैंगो, एम एन मैंगो, इसके अलावा एप्पल। ओके, और अहमद को क्या क्या पसंद है इसके ऊपर क्लिक, फिर टैब प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस किया, उसके बाद अहमद को पसंद है ऑरेंज। ओके, नुमान को क्या क्या पसंद है इसके ऊपर इंटर, फिर टैब प्रेस करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे मैंगो एप्पल, इसके अलावा ग्रेप्स। मतलब इस तरह से हम कोई भी लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हैं, करेंगे सिलेक्शन। अगर हमको ये वाला स्टाइल नहीं पसंद, हम करेंगे मल्टी लेवल पे क्लिक, जो भी स्टाइल देना हो ये वाला हम बाय डिफॉल्ट है, इसको हम करते हैं यहाँ से चेंज। ओके, आप देखते हैं कि गाइस आपकी लिस्ट के अंदर लिस्ट बन चुकी है। हमारे पास एक और ऑप्शन है डिक्रीज इंटेंट, मतलब ये क्या करता है, डिक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ द पैराग्राफ। आपकी जो भी पैराग्राफ है या भी जो भी आपकी टेक्स्ट है उसकी जो इंडेंट लेवल है वो कम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंगो एप्पल ग्रेप्स, ये थोड़े से पेज में आगे हैं, अगर इसको मैंने पीछे करना है मतलब डिक्रीज करना है, हम करेंगे डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करेंगे। आप देखते हैं गाइस आपकी जो टेक्स्ट है वो पीछे मूव होती जा रही है। ये था हमारे पास डिक्रीज ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है इंक्रीज इंडेंट। ये क्या करता है, इंक्रीज द इंडेंट लेवल ऑफ पैराग्राफ। ये क्या करता है, आपकी जो इंडेंट लेवल है वो आगे बढ़ाता है, डिक्रीज कम करता है और इंक्रीज बढ़ाता है, जाहिर सी बात है। इस पे क्लिक करते जाएं आपकी टेक्स्ट आगे मूव होती जाएगी। हमारे पास एक और ऑप्शन है गाइस के इसका नाम है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, मतलब ये क्या करता है, आप जो भी राइटिंग लिख रहे हैं वो लेफ्ट से शुरू होगी और राइट पे खत्म होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ओके, यहाँ से मैं कुछ भी लिखता हूँ, ऑन द इंसर्ट टैब। ओके, आप देखते हैं गाइस मैं जो राइटिंग लिख रहा हूँ वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है, अगर मैंने लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करा मैंने राइट से स्टार्ट करना है। हम आएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, इसका नाम है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। आपकी जो भी मतलब राइटिंग होगी वो राइट से स्टार्ट होगी और लेफ्ट की तरफ बढ़ती जाएगी। इस पे क्लिक करते हैं। ओके, आप देखते हैं आपका जो कर्सर है वो राइट साइड पे आ चुकी है। यहाँ पे वन सेकंड वही लिखते हैं, ऑन द इंसर्ट टैब। आप देखते हैं गाइस आपकी जो राइटिंग है वो राइट से स्टार्ट होके लेफ्ट की ओर आ रही है। ये हमारे पास ऑप्शन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। एक और ऑप्शन है हमारे पास, ये क्या करता है, सॉर्ट। ये क्या करता है, अल्फाबेटाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सॉर्ट न्यूमेरिकल डेटा। मतलब कोई भी आपकी जो राइटिंग है नंबर फॉर्म में है या फिर न्यूमेरिकल फॉर्म में, उसको मतलब एबीसी वाइज करता है, जिस तरह हमारे पास डिक्शनरी होते हैं, अगर नंबर है तो फिर बड़ा या छोटा हिसाब से करता है।
जैसे मैं वही लिस्ट बनाता हूँ, कंट्रोल इजेड पे करते हैं। ओके वंस अगेन। ओके आपकी जो लिस्ट है फॉर एग्जाम्पल ये ए बी सी डी इस तरह से पड़ी हुई है। अगर मैं करता हूँ कि छोटा पहले हो या बड़ा पहले हो, हम करेंगे या फिर हमारे पास ये लिस्ट है, इसको हम करते हैं खत्म। ओके इसको हमने करते हैं खत्म। हमारे पास लिस्ट है अली एमन नोमान वॉट एवर जो भी, मतलब राइटिंग आपकी आगे पीछे, ए वाले पहले नहीं है, बी वाले इस हिसाब से, इसको खत्म करते हैं, इसको करते हैं नो, नैन पे क्लिक करते हैं। ओके ये अब हम करते हैं सॉर्ट पे, मतलब हमारी जो राइटिंग है वो ए बी सी फॉर्म में हो जाए, मतलब ए वाले पहले आ जाए, बी वाले बाद में, सी वाले बाद में, इस हिसाब से करेंगे। क्लिक करेंगे सॉर्ट पे, उसके बाद टेक्स्ट सॉर्ट आ जाएगा। हमने करते हैं असेंडिंग फॉर्म में, तो असेंडिंग फॉर्म क्लिक किया, सिंपल करेंगे ओके पे। अगर डिसेंडिंग फॉर्म में मतलब बड़े पहले आए छोटे बाद में, तो करेंगे डिसेंडिंग फॉर्म में, असेंडिंग फॉर्म ओके रहने देते हैं। अब क्लिक करते हैं ओके, आप देखते हैं ए वाले लेटर पहले आ चुके हैं और इस तरह से मतलब ए बी सी वाइज आ चुके हैं। अगर हम करते हैं कि जी इसके सामने करते हैं वन, अच्छा ओके खत्म करते हैं, नंबर देते हैं हम कोई भी डिफॉल्ट से 11 21 13 22 34 65 87 ओके 98। मैंने क्या करना है, इसको जो है कि सॉर्ट करना है, मतलब छोटे पहले हो और बड़े बाद में हो, करेंगे सिलेक्शन, सिलेक्शन कर दी। अब हम सॉर्ट पे आते हैं, सॉर्ट पे क्लिक किया, अब हम करते हैं छोटे पहले हो और बड़े बाद में हो, या पहले करते हैं बड़े पहले हो और छोटे बाद में हो, इस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। आप देखेंगे कि आप बड़े लेटर्स पहले आ चुके हैं, सॉरी बड़े जो नंबर है वो पहले आ चुके हैं और छोटे बाद में आ चुके हैं। ये था हमारे पास ऑप्शन सॉर्ट का। ओके यहाँ पे कुछ राइटिंग लिख लेता हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन में काम आएंगे। ओके ये इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी हम पढ़ते हैं अलाइनमेंट ऑप्शन को। ये जो हमारे पास पहले सबसे पहला जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ये हमारे पास है अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट, मतलब आपकी जो राइटिंग है वो लेफ्ट साइड से इक्वल होगी। सिलेक्शन करके देखते हैं, आप देखते हैं यहाँ से राइटिंग लेफ्ट साइड से बिल्कुल बराबर है और यहाँ से राइटिंग आपकी राइट साइड से बिल्कुल आगे पीछे हो चुकी है। अगर हम कहते हैं कि जी राइट से बराबर हो और लेफ्ट से आगे पीछे हो, हम करेंगे अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट राइट, मतलब आपकी जो राइटिंग है वो राइट साइड से इक्वल हो और यहाँ से आगे पीछे हो तो नो इशू। क्लिक करके देखें, आप देखते हैं गाइस आपकी जो राइट साइड से डायरेक्शन है, टेक्स्ट है, वो बिल्कुल सीधी है और लेफ्ट साइड से आगे पीछे हो चुकी है। एक और हमारे पास ऑप्शन है सेंटर, मतलब आपकी जो भी टेक्स्ट है उसको सेंटर फॉर्म में करना है, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे आपकी टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगी। क्लिक करके देखें ओके, आप देखते हैं गाइस आपकी जो राइटिंग है वो सेंटर में आ चुकी है। एक और ऑप्शन है हमारे पास जस्टिफाई, ये क्या करता है दोनों साइडों से टेक्स्ट को बिल्कुल इक्वल कर देता है, सिंपल इस पे क्लिक करें ओके जस्टिफाई पे। आप देखते हैं यहाँ से भी राइटिंग लेफ्ट साइड से बिल्कुल इक्वल है और यहाँ से राइटिंग राइट साइड से भी आपके टेक्स्ट बिल्कुल इक्वल है। ये था हमारे पास जस्टिफाई, सॉरी ये हमारे पास ऑप्शन था अलाइनमेंट, अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट राइट या सेंटर या फिर जस्टिफाई। एक और ऑप्शन है हमारे पास गाइस लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब क्या है आपकी जो लाइन के बीच में स्पेस है उसको बढ़ाना या फिर कम करना, सिंपल इस पे क्लिक करते हैं ओके। जितनी आपने स्पेस करनी हो आप उस पे क्लिक करें, बाय डिफॉल्ट 1.15 पे है, मैं इसको बढ़ा देता हूँ 3.0 पे करते हैं ओके। आप देखते हैं गाइस आपकी जो राइटिंग है उसके बीच में लाइन की स्पेसिंग बढ़ चुकी है। अगर खत्म करनी है सिंपल क्लिक करेंगे वंस अगेन, जो भी करनी हो 1.15 पे क्लिक करें, 1.0 पे क्लिक करें, आप देखते हैं बिल्कुल कम हो चुकी है। अगर इसके अलावा हमने और भी कम करनी है सिंपल वंस अगेन इस पे क्लिक करें और बिल्कुल लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव स्पेस, इस पे खत्म क्लिक करें, आप देखते हैं बिल्कुल स्पेस जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये था हमारे पास ऑप्शन लाइन स्पेसिंग का। एक और ऑप्शन है हमारे पास इसका नाम है शेडिंग, ये क्या करता है कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ, मतलब आपकी जो भी राइटिंग है टेक्स्ट है उसके बिहाइंड में पीछे कलर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये क्या करता है सिंपल इस पे लाइन पे आगे क्लिक करें और जो भी कलर देना हो बिल्कुल लाइन में और बैकग्राउंड में, सिंपल इस पे क्लिक करें, जो भी कलर देना हो आप उस पे क्लिक करें, आप देखते हैं वो कलर बिल्कुल लाइन के बैकग्राउंड में आ चुका है। ये था हमारे पास ऑप्शन शेडिंग का। शेडिंग क्या करता है एक टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में मुकम्मल लाइन पे कलर देता है। एक और ऑप्शन है बॉर्डर, ये क्या करता है बॉर्डर दैट सिलेक्टेड टेक्स्ट, आपकी जो भी टेक्स्ट है वो बॉर्डर देता है, वो डिपेंड करता है आप बॉटम दें टॉप दें लेफ्ट दें राइट दें, बॉर्डर खत्म करें नो बॉर्डर ऑल बॉर्डर करें आउटसाइड बॉर्डर करें, डिपेंड करता है आप पे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ आउटसाइड बॉर्डर, मतलब जो हमारे पास लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके बाहर बाहर मुकम्मल लाइन पे बॉर्डर आ जाए,
आप करेंगे आउटसाइड बॉर्डर, एक्सक्यूज मी, आप करेंगे आउटसाइड बॉर्डर। आप देखते हैं आपकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल बाहर बाहर से बॉर्डर आ चुका है। बॉर्डर खत्म करना है, सिंपल 1 सेकंड क्लिक करेंगे इस पे और नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। आप देखते हैं बॉर्डर खत्म हो चुका है। हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो हमने छोड़ दिया था ये है शो और हाइड, मतलब जो अपने अपने फॉर्मेटिंग की है फॉर्मेटिंग को शो करता है एक सिंबल के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसके बाद एंटर किया था, देखते हैं यहाँ से क्या होता है। क्लिक करते हैं शो और हाइड पे क्लिक करते हैं। ओके, आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे एंटर प्रेस किया हुआ है वहाँ वहाँ पे ये निशानी आ चुकी है, मतलब फॉर्मेटिंग शो करा है कि यहाँ यहाँ पे इस बंदे ने एंटर किया है। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करता हूँ टैब को, टैब को निशानी से एरो से दोबारा दिखा रहा है कि मैंने 3 बार टैब प्रेस किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और एंटर को इस निशानी शो करता है। तो ये था हमारे पास पैराग्राफ ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।